हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आए हूं, अगर बात करते हैं उस प्लॉट की साइज की, तो यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है वो हमारे पास है कि 50 फीट है, और जो हमारी प्लॉट की लंबाई है यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है कि 30 फीट है। तो 50 × 30 हमारे पास टोटल 1500 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर ये हमारा जो बिल्डिंग है वो हमारा बनेगा, और जो हमारा प्लॉट है वो सिर्फ सामने की तरफ से ओपन है, मतलब कि सिर्फ सामने की तरफ से रोड है, बाकी तीनों तरफ से हमारा जो प्लॉट है वो पैक रहेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसके अंदर मैंने डिज़ाइन किए हैं 1 BHK के 2 फ्लैट, जो कि आप रेंटल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हमने पूरा डिज़ाइन दिया है। 30 फीट बाई 50 फीट टोटल प्लॉट के साइज है हमारे पास, और जो हमारा प्लॉट है वो सिर्फ सामने की तरफ से ओपन है, बाकी तीनों तरफ किन्हीं और के प्लॉट आए हुए हैं, मतलब कि तीनों तरफ हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास शुरुआत करते हैं सामने से, तो 7 फीट का यहाँ पर मेन गेट आ रहा है, ठीक है। अब इस मेन गेट को आप चाहे तो लोहे का या फिर आप स्टील का बना सकते हो। मेन गेट की इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्येक फ्लोर के अंदर यहाँ पर फ्रंट के अंदर हमने पोर्च दिए, और ये पोर्च आपका फर्स्ट फ्लोर पर बालकोनी का काम कर देगा, ठीक है। 5 फीट बाई 9 फीट का ये हमारा इस फ्लैट का पोर्च रहेगा, और 5 फीट बाई 9.5 फीट का यहाँ पर इस फ्लैट का ये हमारे पास पोर्च रहेगा। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेन गेट के सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टेयर केस के लैंडिंग के हम नीचे से जैसे आगे एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है स्टेयर, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर हो जाएंगे डाउन, और 3.5 फीट बाई 7 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग रहेगा। आप चाहो तो स्टेयर के माध्यम से भी ऊपर जा सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर स्टेयर के जैसे सामने आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लिफ्ट बना हुआ, जिसकी हमारे पास आइए 5 फीट बाई 7 फीट, काफ़ी बड़ा लिफ्ट है, तो आप यहाँ से लिफ्ट का भी यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों फ्लैट के यहाँ पर हमने घर के मेन डोर दिए हुए, एक ये मेन डोर है 4 फीट का, और एक सेकेंड मेन डोर यहाँ पर है। अब पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस 4 फीट को दरवाजे को हम जैसे ही मेन डोर को खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 9 फीट बाई 17 फीट, ठीक है। 9 फीट हमारा चौड़ाई के अंदर है और 17 फीट हमारे पास लंबाई के अंदर है। ये हमारे पास हैगा डाइनिंग और लिविंग एरिया। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2.5 फीट का दरवाजा, ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 9 फीट, 5 बाई 9 का ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, जिसका वेंटिलेशन यहाँ पर पीछे की साइड भी हमने बालकोनी छोड़ रखी है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 10 फीट। ये बालकोनी हमारे पास इस बेडरूम के अटैच रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन टॉयलेट हो गया 5 फीट बाई 9 फीट का। कॉमन टॉयलेट से बाहर आते हैं, इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, ये हमारा घर का फर्स्ट, मतलब कि एक ही बेडरूम है, 1 BHK का फ्लैट है, ठीक है। 10 फीट बाई 12 फीट हमारे पास इस बेडरूम की साइज है, और इसकी 4 फीट की विंडो भी इस बालकोनी के अंदर जा रही है, और इस बालकोनी के अंदर जाने के लिए इसी बेडरूम से हमने 2.5 फीट का दरवाजा भी दे रखा है। तो ये जो हमने फ्लैट जो हमने डिज़ाइन किया है, तो इसके अंदर आपको सफोकेशन नहीं होगी, जो कि प्रॉपर हमने वेंटिलेशन और खुली जगह हमने दी है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक ही बेडरूम है और इसकी यहाँ पर बालकोनी है, तो यहाँ पर आप आराम से खड़े रहकर बैठ सकते हो या बैठ सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। अब इस बेडरूम से बाहर आते यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 10 फीट, जो कि काफ़ी अच्छी साइज है। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक है, और 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा किचन रहेगा, जिसकी 4 फीट की विंडो हमारी सामने निकल रही है। किचन से बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 फीट का दरवाजा, और ये हमारे पास पोर्च आ रहा है, जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर के लिए पोर्च है, बाकी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर आप बनाओगे तो यहाँ पर ये बालकोनी का काम करेगा, ठीक है। इस बालकोनी के अंदर आप कोई भी यहाँ पर जो आपके मेहमान है या कोई भी आया हुआ है डाइनिंग और लिविंग एरिया के माध्यम से, डायरेक्ट आप इस बालकोनी के अंदर सामने जो फ्रंट के अंदर खुल रही है, यहाँ पर आप आकर बैठ सकते हो, ठीक है। 5 फीट बाई 9 फीट इस बालकोनी की साइज रहेगी, और इस डाइनिंग और लिविंग एरिया की विंडो भी यहाँ पर 4 फीट की यहाँ पर इसी पोर्च के अंदर निकल रही है। तो एक हमारी तो यहाँ पर फ्रंट के अंदर हो जाएगी बालकोनी, और एक बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर सेपरेट यहाँ पर बालकोनी हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए वापस बाहर आते हैं तो यहाँ सेम इसी साइज का यहाँ पर देखिए मेन डोर रहेगा, ये हमारे पास रहेगा डाइनिंग और लिविंग एरिया, जिसकी हमारे पास आ जाए 9.5 फीट बाई 17 फीट। ये जो डिज़ाइन है बाकी सेम है, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट है, यहाँ पर ये बेडरूम है 10 फीट बाई 12 फीट का, यहाँ पर 10 बाई 10 का ये हमारा किचन है, और यहाँ पर ये सेम पोर्च है, और यहाँ पर सेम पिच है, वही साइज के अंदर बालकोनी है। तो ये कुछ इस टाइप से हमने 1 BHK के 2 फ्लैट हमने निकाले, जो कि पूरा वेंटिलेशन का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 50 फीट हमारे पास प्लॉट का चौड़ाई रहेगा, और 30 फीट हमारे पास प्लॉट का लंबाई रहेगा, और तीनों साइड से हमारा प्लॉट पैकिंग है, किन्हीं और का प्लॉट आया हुआ है, और सामने की तरफ हमारे इसके रोड जा रही है, मतलब कि सामने की तरफ से ओपन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेन गेट लग जाएगा आपका, मेन गेट से आप जैसे पूछते हो तो यहाँ पर देखिए आपका पोर्च वगैरह बन जाएगा, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर इसी घर की यहाँ पर ये बालकोनी निकल जाएगी सामने की तरफ से। किचन है, बड़ा सा डाइनिंग और लिविंग एरिया, इनफ स्पेस है, लिफ्ट का भी हमने यूज किया यहाँ पर, आप लिफ्ट के माध्यम से भी जा सकते हो और स्टेयर केस का भी यूज कर सकते हो। एक एक टॉयलेट है दोनों घर के अंदर, और यहाँ पर बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर सेपरेट यहाँ पर हमने बालकोनी दे रखी है। तो ये कुछ इस टाइप से हमने इसको 30 फीट बाई 50 फीट, मतलब कि 1500 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर यहाँ पर 1 BHK के 2 फ्लैट हमने निकाले। पूरा ये हमारा रेंटल पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही हमने इसको डिज़ाइन दिया है।
तो आप इसका 2 या 3 फ्लोर बनाकर आराम से आप इसे इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिज़ाइन के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।